हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे मटन के इनर पार्ट्स को। इसमें मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लीवर लिया है, लंग्स है, किडनी है और हार्ट है और कुछ फैट्स भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में। तो इसे अब हम क्या करेंगे, अच्छे से तो पहले वॉश करेंगे 3-4 पानी से और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए और इसे धो करके अच्छे से 3-4 पानी से ढक्कन को मैंने टेढ़ा करके रखा था ताकि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल पसंद आपको नहीं है तो आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया था और इसमें हम डाल देंगे और डाल करके इसकी भुनाई करेंगे, प्याज को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज का मॉइस्चर जैसे जैसे निकलता जाएगा प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इसकी क्वांटिटी जो है वो कम दिखने लगेगी। आप देख सकते हैं फ्लेम हमारा हाई पे है और हाई फ्लेम पे प्याज को हमने फ्राई कर रहा था। अब हम कर देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो और लो करके इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता ऑयल में, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। बस यही गरम मसाले जाएंगे हमारे और इसे हम मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो खड़े मसालों का फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे भी पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और डालने के बाद इसे हम मिलाते हुए प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। ये देख रहे हैं अच्छे से ये 2 मिनट लगे हैं इसे भूनने में। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम लेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर और उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर ले, यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच दिया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे 1/4 कप के करीब और इस पानी में फ्लेम को मध्यम ही हमारा है और मध्यम आंच पे इसे अच्छे से हम भुनाई करेंगे जब तक के जो मसाले जो हैं अच्छे से भुन ना जाए। यहाँ पे देखिए 3 मिनट हो चुके हैं मसाले भुनते हुए, ऑयल सरफेस पे दिखने लगे हैं। अब ऑयल जैसे ही आपको सरफेस पे दिखने लगे बस हम सारे मटन के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे इनर पार्ट्स को और इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाले जो अच्छे से सारी चीज़ों में मिल जाए। और अब हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी यहाँ पे मैंने 1 कप डाला है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस है, यही रहेगा, बस पानी की जो क्वांटिटी है वो कम कर दें, 1/2 कप के करीब डालें और 4 से 5 सीटी तक आने तक इसे पकाएं। 4 से 5 सीटी में जो है हमारा मटन का इनर पार्ट्स वो गल जाएगा। लेकिन हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे ढक करके हम कम से कम 30 से 35 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे, बिल्कुल मध्यम आंच पे इसे धीरे धीरे पकने देंगे और बीच बीच में इसे स्टेयर करते रहेंगे ताकि हमारे जो मसाले वो चिपके नहीं। तो ये देखिए 35 मिनट पूरे लगे हैं और इसे मैंने इस तरह से बीच बीच में 5 से 10 मिनट में इसे बीच बीच में चला रही थी और ये देखिए हमारा जो मटन का जो इनर पार्ट्स है वो अच्छे से गल चुका है। ऑयल जो है वो साइड साइड में दिख रहे होंगे आपको, समझ जाइए आपके जो मटन के जो इनर पार्ट से अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच डाला है भुना कूटा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला पाउडर और इसे हम डालने के बाद इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 हैंडफुल फ्रेश हरे धनिया के पत्ते और 2 हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची आप ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल अलग सा टेस्ट आएगा आपको। और धनिया जो है, धनिया के पत्ते वो खूब सारा आप डालें और इसे हम मिला लेंगे। बस हमारा ज़बरदस्त सा रेसिपी बनके तैयार है। तो आप इसे रोटी, नान या फिर रुमाली रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा
गोट का इनर पार्ट्स बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे 1% भी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू।